इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर सारणी दी है और इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले बहुलक वर्ग जो है वो हमें यहाँ पे देखना होता है। तो बहुलक वर्ग क्या है? तो देखो, बहुलक वर्ग होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, जो कि यहाँ पे 18 है, इसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है ये बहुलक वर्ग होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्लास इंटरवल है और ये है 4000 से 5000, ठीक है। और अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक के फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले L, L क्या होता है? देखो, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है ये होता है L, यानी छोटी वाली संख्या यहाँ पे 4000, ये L है। अब F0, F1, F2 क्या है? तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको हम कहते हैं F1, इससे पिछली वाली को कहते हैं F0 और इसके बाद वाली को कहते हैं F2। तो यहाँ पर F1 है 18, F0 है 4 एंड F2 है 9, और साथ में H क्या है? तो जो वर्ग अंतराल की हाइट होती है, वर्ग अंतराल ये जो यहाँ पर लिखा है इसकी हाइट यानी इसका डिफरेंस क्या है? 1000 है। तो ये H होता है। अब फॉर्मूले में ये सब चीज़ें रखते हैं तो बहुलक हो जाएगा L यानी 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस 4 माइनस F2 यानी 9 इंटू जो हाइट है वो 1000 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इंटू 1000 यहाँ पे लिख देते हैं, ये है। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस ये माइनस करके आया 14, 1000 ऊपर ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा 36 माइनस 13, ठीक है ना। 9 और 4 13, 18 दुने 36, ठीक है। और ये आ जाएगा 4000 प्लस 14000 अपॉन 23। अब यहाँ पर ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, ये है 4000 और इसे कैलकुलेट करके आएगा 608.695, और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4608.695, और ये हमारा आंसर आ गया, ये इसका बहुलक है। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।